कांग्रेचुलेशन कि आप यहां पर हमने देखा बहुत ही एंजॉय कर रहे जी जी कॉलेज में आके तो आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हुआ बहुत अच्छा रहा मैं बहुत थ्रिल था जब मुझे पता चला था कि इन्होंने मुझे बुलाया एंड आई एम गोना रीलिव माय स्कूल डेज कॉलेज डेज सो ये मुझे हमेशा से स्टेज फ्राइट थी तो बाद में मैंने वो अपनी ओवरकम किया और अब एक्टर बन चुका हूँ तो वही मैं देख रहा था यहाँ लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं जो मैं बिल्कुल नहीं था सो इट फील्स गुड यार मतलब पीपल आर सो टैलेंटेड किड्स यंग किड्स आर सो टैलेंटेड सो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम जी जी मेरा मॉडलिंग में और डांस में बहुत इंटरेस्ट था मॉडलिंग में मैंने एक बार ऑडिशन दिया था बट आई डेंट गेट सेलेक्टेड तो उस टाइम मैं काफ़ी डिसहार्टेंड हुआ था पर उसके दो साल बाद कॉलेज में मैं पैंटलून्स फ्रेश फेस विनर बना था दिल्ली से आई वाज द दिल्ली विनर तो वी नेवर गिव अप और डिसहार्टन मत हो अपने ऊपर काम करो जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ जस्ट फोकस एंड आई एम श्योर यू डू गुड अगर तुम अपने आप से ऑनेस्ट हो तो आगे जाके तुम सक्सेसफुल हो सकते हो ओके तो इन स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जिन्होंने अभी अभी हम स्टेज पे परफॉर्म किया हमने देखा आप बहुत एंजॉय कर रहे अरे आपकी तरफ से विश मैं तो ऑल द बेस्ट बोलूंगा और मैं क्या ही बोलूं यार इतना टैलेंट उनमें खुद है मेरे बोलने से इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं एंड आई वॉज थ्रिल्ड टू सी देयर परफॉर्मेंसेज इतना अच्छा डांस करते हैं इतना अच्छा गाते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं विच शोज दैट दे विल गो अहेड यार इन देयर लाइव्स थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस हमने देखा कि आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया फन भी था डांस भी था सिंगिंग मतलब सारी चीजें यहाँ पे थे रैंप वॉक भी था हमने देखा आप लोग बहुत ही ध्यान से आप लोग देख रहे थे एंजॉय भी कर रहे थे और कुछ जज भी कर रहे थे तो लेडीज फर्स्ट यस यस प्लीज कैन आई से इट इन इंग्लिश एनीवन यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन आई गॉट अ लिटिल लेट बट ऑल दीस गाइस वर टेलिंग मी कि हाउ टैलेंटेड द किड्स आर एंड आई डोंट थिंक जब मैं स्कूल में थी मेरे में इतना टैलेंट था मैं तो कुछ भी करके आई डोंट नो हाउ दीस किड्स आर सो टैलेंटेड एंड आई होप दे गो रोल योर हेड इन लाइफ सो या मुझे तो बहुत मजा आया आई थिंक दीस गाइस आल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन डेफिनेटली ऑल दोस किड्स दे वर अमेजिंग आई मीन कुछ एक्ट्स हम बात कर रहे थे दे वर जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड दीस किड्स आई मीन दे गोना गिव अ रन फॉर मनी टू अस लेटर ऑन इन द कमिंग इयर्स दे आर जस्ट सुपर टैलेंटेड ऑल ऑफ देम हैव द स्टेज कॉन्फिडेंस व्हिच इज इनसेन आई होप आई हैड दैट काइंड ऑफ हाफ दैट टैलेंट व्हेन आई वाज देयर एज आई वाज बिजी फाइटिंग फॉर फूड व्हेन आई वाज देयर एज एंड दे जस्ट लाइक They're mind-blowing. It was amazing. Congratulations, entire team. मुझे तो बड़ा मज़ा आया बिकॉज मुझे जब भी मौका मिलता है कि मैं वापस आओ चाहे वो स्कूल के फंक्शंस हो या कॉलेज के फंक्शंस हो आई ड्रॉप एवरीथिंग एंड आई कम बिकॉज इनमें वो जो एक हुनर है वो एक पैशन है एनर्जी जब भी अब हम लोग ने विनर्स अनाउंस भी किया था तो एवरीवन वाज़ सो एक्साइटेड सो हैप्पी फॉर ईच अदर और जब आप बाहर की दुनिया में देखेंगे तो आजकल इतना नेगेटिविटी जेलसी ट्राइंग टू रन दी अदर पर्सन डाउन है बट दीज किड्स आर प्योर एंड मैं बस यही चाहता हूँ कि आगे जाके टैलेंट इज ऑफकोर्स वन थिंग बट वो एक प्योरिटी उन लोग वो एक इनोसेंस ना वो रिटेन कर पाए तो आई थिंक मोर देन वॉट दे कैन लर्न फ्रॉम अस एज जजेस वी हैव ऑल्सो लर्न अ लॉट एंड आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट जी आज के इस मौके को देखकर कुछ आप लोगों के पर्सनल स्कूल या कॉलेजेस की यादें ताजा होगी और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग का क्या कुछ क्या कुछ फेवरेट था आपको सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग तो मैं अभी बता रही थी VTS से हूँ तो हम लोग का स्कूल होस्ट करता है संस्कृति जैसे मेलॉन्ज है वी आर द वर्ल्ड है ये सारे होते तो हम लोग का स्कूल संस्कृति होस्ट करता था तो मैंने ना बहुत मुझे तो एक्टिंग का बहुत शौक था स्टार्टिंग से प्लेज में ये सब करती रहती थी तो हम लोग ने एक स्किट किया था और वी वर टोल्ड कि यू हैव टू मेक एक टॉपिक दिया था और 5 मिनट में तैयार करके मतलब पूरे 15-20 लोगों की टीम हम लोग को परफॉर्म करना था तो हम लोग को मिला था मॉडर्न रामायण मुझे याद है हम लोग को फर्स्ट प्राइज़ मिला था उसमें
हम मतलब हमारे स्कूल में ही हमें फर्स्ट प्राइज दे दिया, लेकिन हाँ हमें फर्स्ट प्राइज मिला था. बट मुझे याद है मैं जटायु का रोल कर रही थी उसमें, एंड आई वाज अ बर्ड एंड पीपल लाफ्ड बिकॉज मैं कुछ नहीं करी थी, बिकॉज मैं एक बर्ड थी और बस खड़ी थी और जितना हंसे हैं लोग मुझ पर, मतलब टिल टुडे आई विल नेवर फॉरगेट दैट सीन. सो आई एम सो ग्लैड कि मैं फिर से यहाँ पे एक स्कूल में आई हूँ और ये कॉम्पिटिशन जज करने का मौका मिला, बिकॉज इट वॉज सो मच फन. याद है तो ताज़ा कर ही देता है ये सब. सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस. डेफिनेटली मैं हमारे स्कूल में भी, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो वहाँ पे ऐसा ही एक फैशन शो ऑर्गेनाइज होता है, इट्स कॉल्ड माउंट कार्मल कार्निवल. सो मेरे को याद है when I entered दैट शो आई वॉजन रियली कॉन्फिडेंट. मैं अपने बारे में शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट ऐसे शोज़ के प्रोसेस के थ्रू हाउ दैट शो हेल्प मी टू चूज़ एक्टिंग एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन. सो आई थिंक दिस इवेंट इन टोटैलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट मेकिंग दोज किड्स रियलाइज दैट दे हैव पोटेंशियल एंड मेकिंग दम बिलीव इन दम सेल्व. सो आई एम जस्ट रियली ग्लैड दैट यू नो, एंड द वाइब ऑफ वे ऑफ एवरी किड इज़ सो पॉजिटिव. इवन जो बच्चे आगे के ग्राउंड में नहीं गए, दे वर स्टिल स्टैंडिंग बिहाइंड यू नो बैक स्टेज एंड जस्ट सपोर्टिंग एवरी वन, एंड नो मैटर हु वन, दे वर जस्ट हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द इवेंट. सो इट वॉज जस्ट पॉजिटिव वाइब ऑल टुगेदर. वेल मेरा आंसर तो बहुत बोरिंग रहेगा, क्योंकि मैं जब स्कूल में था और कॉलेज में मैं बड़ा इंट्रोवर्ट सा बंदा था. सो आई नेवर रियली टुक पार्ट इन एनी थिंग. कभी कभी करना पड़ता था फ्री अटेंडेंस के लिए, तो उसके लिए मैं कर लेता था. मुझे अभी भी याद है जब स्कूल में थे तो कंपलसरी था कि हर एक बच्चे को पार्ट लेना है क्रिसमस कॉन्सर्ट में. तो एक साल मैं पेड़ बना था, तो दैट गिव मी ब्राउन कलर क्लोथ और हाथ में पत्ते थे, एंड माई मदर टोल्ड मी दैट यू नो आई कुड सी यू फ्रॉम द ऑडियंस, यू आर द मोस्ट स्वेई ट्री आउट देयर यू नो. तो हाँ, बट जब फिर मैं कॉलेज में आया एंड देन वो थोड़ा मुझ में वो एक कॉन्फिडेंस आ गया, देन आई वुड टेक पार्ट इन लाइक दिस रैम शोज एंड थोड़ा टैलेंट वैलेंट जो कुछ भी था, मिमिक्री करता हो तो हाँ. तो हमारे बीच में मैडम भी आ गए, तो मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि कंपटीशन जज किया आपने, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा. आई थिंक द टैलेंट वाज अनबिलीवेबल. आई हैव नेवर सीन द स्टैंडर्ड. आई थिंक इट वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल. The variety that they displayed, the confidence, that is what impressed me tremendously. Mm-hmm. And it was really stupendous. Definitely. Ab inse abhi baatein kar rahe the ki apne college and school ya ki kuch memory share, inhone sabhi ne hamare saath mein share ki, agar aap aisa kuch batana chahe, apne to bahut kuch hasil kiya hai, agar aap kuch aisa share karna chahe. I can't really think, but main bachchon ke saath bahut kaam karti hu, main shows डायरेक्शन और कोरियोग्राफी करती हूँ. तो आई थिंक जस्ट वर्किंग विद चिल्ड्रेन इज़ अ ग्रेट थिंग. दे आर, दे कम आउट विद, दे आर आर बेस्ट टीचर्स एंड दे आर द वंस दैट एक्चुअली इंस्पायर अस. डेफिनेटली Unbelievable, I learned so much. I've never heard of this thing called beatboxing. Oh, wow. Today was the first time I learned. I learned a very different thing. He used to have the magician, I wanted that child, that magician. He was, but his age to do that is amazing, you know, like his idea of bringing the mask. Yeah, and he was just transforming into whatever. It was amazing. I don't play cards, I didn't know. But yeah, it was a Sunday well spent. No, I told them there are no losers. I just announced it to all the children. I said there are no losers today. They're all winners. Yeah. Absolutely. Yeah. Thank you. Lovely seeing you, man. G.D.Somani. I would like to warmly welcome all of you to the very last and blockbuster event of Melange 2005. It's our very own personality contest, Charisma 2017. We'd like to thank our fashion partner NM Studio and ANI Media for their stunning outfits
and media coverage. Prisma has been with us since the very inception of Melange. It's an event which dazzles and sparkles every year as our contestants display and showcase. With us today, we have 14 charismatic gems who have come out as the top contestants of today's event. They've journeyed with the judges here to decide the fate of these 14 and crown them with the following titles: Mr. and Miss Melange and Mr. and Miss Charismatic. Before we begin, ladies and gentlemen, very beginning of Melange, and they have worked tirelessly for the success of this event. Mrs. Indrani ma'am, can we please have you up on stage? Who have graced us with their presence and taking time out of their busy schedules to come and be a part of Charisma. First, we have Mrs. Salome Roy Kapoor. Salome ma'am, can we... She's learned many dance forms such as Bharatanatyam, Kathakali and ballet, but her forte has always been ballroom and Latin American dancing. She was a leading model in her 60s and was a Miss India in 1972. She has choreographed a few Hindi movies such as Kasturi, Umang and Bobby. She has also acted in Hindi movies such as Tu Hi Meri Zindagi and Black. Mrs. Roy Kapoor has directed fashion shows and held classes in dance and personality development for many years. Presently, she directs and choreographs plays and shows for schools and enjoys working. Mr. Ronit got into theatre at the age of 13 and he has never looked back since. He has staged several plays which were written by famous writers while the others were self-scripted. He has formally studied the Lee Strasberg method acting. He was also awarded a gold medal at the All India Youth Festival in the year 2012-2013. Further, he has acted in TV series such as A Aashiqui on UTV Bindas and Ek Dooje Ke Vaaste on Sony India. He is also a winner in Ticket to Bollywood. We welcome you, Mrs. Ronit Kapil, to judge this wonderful event. Thank you so much for being here. Model and television star. He was born in New Delhi and made his acting debut with Channel 5's show P.S. I Hate You. Mrs. Sahil was also seen in popular TV shows such as Maharakshak Devi, Pavitra Bandhan and Rama Rakshas. Currently, he is seen in Colors Daily Soap, H. Ringar Swatiman. We're absolutely thrilled to have you here, sir. Thank you so much for being here. Tanul is a very well-known actor and has been featured in various movies. Born in Delhi, he is the son of Rati Agnotri, who was a famous actress in her 80s. He started his Bollywood career with W. Sonio,
a Bollywood film in 2013 directed by Joe Rahul. He next appeared in a 2014 film called Purani Jeans, directed by Tanushree Basu, opposite Isabel Leakey and Aditya Sen. His latest movie, One Night Stand, featured him and Sunny Leon. Please welcome Mr. Tanushree Basu with a huge round of applause. I recommend all of you to watch it on Amazon Prime 10th of July onwards. The name of the web series is Inside Edge.